देखिए हमारा कल कहाँ तक हुआ था, हमने एसोसिएशन देखे थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, अब हम लेंगे आगे का पार्ट। तो ये भी रिकॉर्डिंग ही रहेगा, आपको देख लेना है। और अभी आज तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म होने के बाद फिर हम लेंगे एमसीक्यू। तब तक आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है वो रिवाइज करके रखना है। और कुछ डाउट्स हो गए तो आपने मुझे बताना, नंबर है आप सभी के पास। और आगे कौन सा पार्ट लेना वो बोलिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ तक हुआ था हमारा, आगे का पार्ट लेते हैं। दिस पार्ट वॉज ओवर। एसोसिएशन देखे थे हमने, डिफरेंट टाइप का प्रेडिक्शन हो गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीडेटर देखा था हमने, नेचर में इनके रोल क्या, पॉपुलेशन कंट्रोल करता है ये प्रीडेटर प्रे का। पर हमने ये भी देखा था कि साथ में जो प्रे होते हैं वो अपने बॉडी में इस तरह से अडाप्टेशन लाता है कि इजीली कोई प्रीडेटर उनको अटैक ना कर पाए। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिडेटर ये भी देखा था हमने, प्रिडेशन हो चुका था। ये भी देखा था एग्जाम्पल हमने, प्रिकली पियर एंड लैंटाना कैनाडा। ये देखा था फिर बाद में हमने कि प्रे के जो स्पेसीज है उनके अंदर कौन से अडॉप्टेशन आएंगे जिसके वजह से वो प्रिडेटर से बच सकते हैं। फिर उसके बाद कल हमारा हुआ था ये कंपटीशन, जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म का लॉस है, दोनों भी जो रहेंगे। फिर उसके बाद को एग्जिस्टेंस देखे थे, एविडेंस फॉर कंपटीशन। उसके बाद ये अबिंडन टॉर्टाइज देखे थे, गैलापागोस आइलैंड वहाँ पे। उसके बाद ये भी हुआ था एविडेंसेस फॉर कंपटीशन। उसके बाद गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी देखा था हमने, हो गया था ये पैरासाइटिज्म, हो गया था कल यहाँ तक ये देखा था हमने। एक बार थोड़ा ये रिवाइज करके आगे और वापस आएंगे। ये बोला था हमने अडाप्टेशन क्या रहेंगे, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, द प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सकर टू क्लिंग ऑन द होस्ट। क्लिंग मतलब लटक जाना, वहाँ पे अटैच हो जाना, जैसे यहाँ पर ये क्लिंग हो रहा है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, हिरुडिना, दिस इज हिरुडिना, ये क्लिंग हो रहा है स्किन के ऊपर। और माउथ देखा था हमने इसका, माउथ रहेगा सुक्टोरियल माउथ। और ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम सैमिवोरस, ब्लड सकिंग एनिमल। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, दीज आर द अडाप्टेशंस। उसके बाद ये भी हुआ था हमारा ह्यूमन लीवर फ्यूक, और इनके ऊपर हॉस्ट अलग अलग रहेंगे। देन इक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट ये दोनों भी बोले थे हमने, इक्टो पैरासाइट कहाँ पर वर्क करेगा और एंडो पैरासाइट कहाँ पर वर्क करेगा। तो ये बोला था मैंने आपको, एक्टो पैरासाइट एक्सटर्नली फ्रॉम बॉडी के आउटर सर्फेस से ही अटैक करेगा, और जो एंडो पैरासाइट रहता है वो इनसाइड द बॉडी आकर अंदर से हार्म करेंगे, तो इनको बोला जाएगा एंडो पैरासाइट्स। अब उसके बाद ये देख रहे थे हम कि टाइप्स ऑफ पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट जो बॉडी के एक्सटर्नल सर्फेस से अटैक करें बाहर से, सो दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस लाइक हॉस्ट, लाइस ऑन द ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग। इक्टो पैरासाइट को पॉन्ड्स इन मेनी मराइन फिश, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए मराइन फिशेस उनके आइस को अटैक करेंगे, ऑफ एन एरो टूथ फ्रॉम डॉग। तो ये उसके बाद कस्कुटा भी देखा है, कस्कुटा अमरवेल ऑन हेज प्लांट एंड हैज नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और लीव्स नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है ये, खुद का फूड खुद तो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए दूसरे प्लांट के ऊपर फीड करके वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। तो ये ऐसा रहता है। उसके बाद फीमेल मॉस्किटो, ये बोला था मैंने कल आपको, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो रहता है वो क्या करेगा, ह्यूमंस को अटैक करेगा, बाइट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, प्लाज्मोडियम ह्यूमन स्किन में आता है। और जो मेल
मॉस्किटो है वो क्या करेगा, ऑनली प्लांट के सैप पर फीड करता है। उसके बाद ये है एंडो पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट द पैरासाइट दैट लाइव ऑन द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट, अंदर रहेंगे और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को ये अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे लीवर को अफेक्ट करेगा, कौन सा जो मलेरियल प्लास्मोडियम है वो वहाँ पर अफेक्ट करता है। उसके बाद किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं, लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया राउंड वर्म है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करेगा। टेप वर्म भी वैसा ही है, लीवर फ्लूक नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पर अटैक कर रहा है, लीवर फ्लूक। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसके लिए आपको एक बार लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा प्लास्मोडियम की। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जहाँ पे आपको मलेरिया दिया है तो वहाँ पे आप लाइफ साइकिल देख सकते हैं प्लास्मोडियम की। तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर मीन्स एक्सटर्नल इंटरनल, उनके अंदर कुछ फीचर रहेंगे। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से वो क्या करते हैं अपना जो हॉस्ट है उसको वो अटैक कर सकते हैं। तो उसके बाद ब्रूड पैरासाइटिज्म इन बर्ड्स, ये भी हो गया था लगता है हमारा कल। हाँ, इसके अंदर बोला था कि ये जो बर्ड्स है देखिए, ये बर्ड क्या करते हैं अपने जो एक है अपने एक ऐसी जगह पर ले करते हैं जहाँ पे उनका हॉस्ट है या जहाँ पे ऐसा प्रेडेटर जो उनको मारने के लिए अटैक करने के लिए रेडी रहेगा, तो उसके नेस्ट में जाके ये अपने एग्स ले करते हैं। तो अब क्या होता है उसके जो एग्स है जिस बर्ड ने ले जो एग थे अपने वो ऐसी जगह पर दिए जहाँ पर उनका प्रेडेटर था जो इनके ऊपर अटैक कर सकता था। तो वहाँ पर एक देने के बाद क्या होगा, उन एक के अंदर ऐसा अडाप्टेशन आएगा, वेरिएशन आएंगे कि वो उसके हॉस्ट के एक के जैसे दिखेंगे। तो वो जो हॉस्ट है वो एक एक को अटैक नहीं करता। तो ये बोले थे पैरासाइट बर्ड्स ले द एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स हॉस्ट एंड लेट द हॉस्ट टू इंक्यूबेट देम। इंक्यूबेट मतलब क्या होता है, मतलब अच्छी कंडीशन में रख सकता है। जैसे हम हमारे घर में फ्रिज रहता है, रेफ्रिजरेटर, क्या फंक्शन उसका कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना और उस टेम्परेचर में हमारे जो वेजिटेबल्स है मिलकर वो स्टोर होगा। तो उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा देर तक उसको रख सकते हैं। तो वैसा इंक्यूबेट करना, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे एनिमल हैं जिनके एक को एक वार्म टेम्परेचर लगता है, तो वो एनिमल वहीं पर बैठते हैं, वार्म अप देते हैं, जिसकी वजह से वो एक ज़्यादा देर तक वैसे रहेंगे। तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन द एग्स ऑफ पैरासाइटिक बर्ड्स हैव इवॉल्व टू रिसेम्बल द हॉस्ट एग इन द साइज एंड इन द कलर। यहाँ पर दिख रहा है देखिए ये सब। सो हॉस्ट बर्ड कैन नॉट डिटेक्ट एंड इजेक्ट द फॉरेन एग्स ईजिली। उसको समझ में नहीं आता कौन अपना आएगा, कौन सा अपना आएगा और कौन सा दूसरे का आएगा, तो इसमें बच जाएंगे। इसको कहा जाएगा ब्रूड पैरासाइटिज्म, और इसका एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासाइटिज्म बिटवीन द कुकू एंड को इसके अंदर। तो यहाँ पे दिख रहा है ये कुकू। उसके बाद देखिए और एग्जाम्पल बोले थे, ऑर्किड ग्रो एज एन इपीफाइट, मतलब प्लांट के ऊपर, ये यहाँ पर दिख रहा है देखो मैंगो के ट्री के ऊपर ऑर्किड ग्रो हो रहा है क्योंकि वो उससे न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। उसके बाद ब्रानाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, यहाँ पर दिख रहा है देखिए, ये है वेल और ये जो ब्रानाकल ये इसके ऊपर ग्रो हो रहा है। तो इनको तो फायदा, पर वेल को फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं। उसके बाद कैटल एंड ग्रेजिंग कैटल, तो ये दिख रहे देखिए ईगरेट एंड कैटल। एज कैटल मूव द वेजिटेशन इंसेक्ट कम आउट, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू ईगरेट्स टू फाइंड एंड कैच। तो मतलब समझ में आ रहा है देखिए, ये जो जब कैटल घूमते हैं तो वहाँ से क्या होता है, वो जब ग्रास के ऊपर घूमेंगे तो अंदर के जो इंसेक्ट है वो बाहर निकलेंगे, और इंसेक्ट को बफेलो खा नहीं सकते बट दूसरे एनिमल खाएंगे तो उनको फायदा होता है। उसके बाद सी एनिमल एंड क्लाउन फिश, स्टिंगिंग टेंटाकल ऑफ सी एनिमल गिव्स प्रोटेक्शन टू फिश फ्रॉम द प्रेडेटर। देखिए सी एनिमल बोला है कि स्टिंगिंग टेंटाकल जो जिनके अंदर पॉइजन रहता है तो उसके वजह से प्रोटेक्शन मिलेगा फिश को फ्रॉम प्रेडेटर्स। यहाँ पर और दी वाले देखे, इसको बोलेंगे कॉमन सैलिज्म।
इंट्रैक्शन ऑफ वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज न्यूट्रल, मतलब एक को क्या फ़ायदा है और एक को क्या फ़ायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं, नीदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म एंड द एसोसिएशन ऑफ ईग्रेट एंड द कैटल, अभी बोला है क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियलिज्म, एज कैटल मूव ड्यूरिंग द ग्रेजिंग दे स्टिरअप एंड फ्लश आउट द इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन ग्रास से, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर द ईग्रेट टू फाइंड देम एंड कैच, हियर द कैटल डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ईग्रेट, इसको कोई फ़ायदा नहीं है ना ही नुकसान है, और जो ये ईग्रेट है इनको क्या होगा खाने के लिए इंसेक्ट मिलेंगे। अदर एग्जाम्पल बोला क्लाउन फिश हाइडिंग द कॉलोनी ऑफ सी एनिमल, देन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन द मैंगो ट्री और ब्रैनकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। सो हियर सी एनिमल मैंगो ट्री व्हेल डिराइव नो बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन, पर आगे का जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये देखिए क्लाउन फिश भी दिखा विद सी एनिमल, तो इनको तो फायदा हो रहा है इनके टेंटैकल से क्योंकि प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो ऐसे करेक्ट। नेक्स्ट देखिए उसके बाद म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म मतलब सबसे बेस्ट फेवरेट ये है इंट्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है दोनों को भी, द एसोसिएशन इन विच बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, इसको म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं या सिंबायोसिस बोल सकते हैं दोनों है। उसके बाद लाइकेन, इसके अंदर एसोसिएशन देखना है हमको, लाइकेन इज अ म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग अल्गी एंड और साइनोबैक्टीरिया। लाइकेन तो हमको पता है ये कैसा, इसके अंदर अलगल और फंगल दोनों कॉम्पोनेंट होते हैं, जो अलगल कॉम्पोनेंट है उसको बोलते हैं फाइकोबाइंड और जो फंगल कॉम्पोनेंट है उसको बोलते हैं माइकोबाइंड, तो ये दोनों से बनता है लाइकेन और दोनों को एक दूसरे से फायदा रहता है। लाइकेन हमको पता है कहाँ पर ग्रो होता है, ऐसे प्लेस पे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं रहेगा, स्पेशली ये जो लाइकेन है दैट इज SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर, इससे लिटमस पेपर बनाने आता है, इससे कॉन्डिमेंट्स बनाने आते हैं, इससे यूसिनिक एसिड मिलता है तो एंटीबायोटिक भी तैयार होता है, तो ये लाइकेन का फायदा है जो दिखाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइकेन। उसके बाद नंबर टू इज माइकोराइजा, माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन द फंगा एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ये देखा देखिए माइको का मीनिंग क्या होता है फंगस और राइसा का मीनिंग होता है रूट, तो अब क्या होगा इस प्लांट के जो रूट्स है इनके ऊपर फंगस क्या होता है एक तो बाहर से अटैच हो सकता है या तो अंदर से अटैच हो सकता है, बाहर से या अंदर से मतलब क्या रहता है जब फंगस रूट के बाहर से अटैच होगा तब उसको कहा जाता है इक्टोमाइकोराइजा, इक्टोमाइकोराइजा फ्रॉम द आउटर साइड, और जब फंगस रूट के अंदर कॉर्टिकल सेल को पेनिट्रेट करके अंदर के साइड को जाएगा और प्लांट को अटैक करेगा तब उसको बोला जाएगा एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइक्रोइजा और एंडोमाइक्रोइजा इनके अंदर प्रोड्यूस करेगा वैम, वैम का मीनिंग क्या है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोइजा, तो अब जब इसके अंदर वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोइजा प्रोड्यूस होगा उस समय क्या होगा कि इसके अंदर प्लांट को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फेट मिलता है, वाटर मिलता है और फंगस को इस प्लांट के अंदर रहने के लिए जगह मिलती है मतलब शेल्टर मिलता है और प्लांट को इसके वजह से न्यूट्रिएंट मिलता है, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है, तो ऐसी एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म, द एसोसिएशन बिटवीन द फंगा एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंगा हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, while the plant will provide the fungi with carbohydrate,
तो शेल्टर मिलता है इसको फंगस को, तो इसलिए दोनों को बेनिफिट है, इसलिए इसको कहा जाएगा सिम्बायोसिस। तो ये एक सेकंड, वन सेकंड, ओनली वन सेकंड। देखिए तो ये बोला था, उसके बाद देखिए यहाँ पर और डिटेल में बोला भी, तो अदर एग्जांपल, तो इन द इंटरेक्शन बिटवीन द बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, दोनों को भी फायदा हो रहा है, लाइकेन पता है, माइक्रोराइसा पता है उनको। तो ये इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिक ट्री, फिक ट्री कौन सा होता है, तो उम्राचो झाड़ बोलते ना उसको, उम्राचो फिक, तो वो रहता फिक ट्री। देर इज क्लोज वन टू वन रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ वैस्प फॉर पॉलिनेशन एंड फीमेल वैस्प पॉलिनेटर्स पॉलिनेट द फिक इनफ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल साइट फॉर एग लेइंग। मतलब ओवी पोजिशन, ओवी पोजिशन मतलब क्या होता है, ये उसके ऊपर एग ले करेंगे। जैसे आपको देखो पॉलिनेशन के अंदर यूका प्लांट और मात पता, देखिए अगर वो मात रहा तो प्लांट रहेगा, प्लांट रहा तो मात रहेगा, तो वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ। यूका प्लांट है, यूका प्लांट पता है ना, वहाँ तो देखिए शी लेस द एग इनसाइड द फ्रूट एंड सीड्स ऑफ द फ्रूट ऑल्सो कंज्यूम बाय डेवलपिंग लार्वा ऑफ वैस्प, thus both are mutually benefited. Some plants have evolved special structure for pollination by insect like honeybees, butterfly, bumblebees to ensure guaranteed pollination. In Mediterranean orchid, ophrys employs a sexual dicyte in which one petal of the flower resembles the other. तो ऐसा होगा, यहाँ पर लिखा देखिए very closely with the female bean shape color मार्किंग, तो मेल बी परसीव द पेटल्स एज फीमेल पेटल्स फीमेल बीज एंड अटेम्प्ट द सुडो कॉपुलेशन फॉल्स रिप्रोडक्शन विद द फ्लावर ड्यूरिंग द प्रोसेस पोलन मेल आर डस्टेड ऑन द बॉडी ऑफ मेल बी, तो ऐसा होगा। एंड वेन सेम बी सुडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर द पोलन मेल्स आर ट्रांसफर टू देम दस पॉलिनेशन ऑफ, तो पॉलिनेशन की वजह से मतलब इनके अंदर ऐसे एडाप्टेशन आए। दिस फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन इन ऑर्किड and B, maintaining the close relationship of color pattern, shape, size and marking. तो ये सब देखेगा, देखिए फिक और वास्क के अंदर और ये ऑर्किड जहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है हनी बी का, दिस इज फिक एंड वास्क। और ये दिखाई दे रहा हमको ऑर्किड, अब देखिए और एग्जांपल दिए यहाँ पर म्यूचुअलिज्म के, म्यूचुअलिज्म बिटवीन द प्लांट्स थ्रू द पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। पॉलिनेशन के लिए तो हमको पता है इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा और सीड डिस्पर्सल तो दिख रहा है, जो अभी जो एग्जांपल लिए थे हमने फिक ट्रीज एंड वास, ये है फिक जो दिख रहा है हमको, दिस इज फिक, यहाँ पर है फिक। तो फिक स्पेसिस पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वैस्प स्पेसिस एंड नो अदर स्पेसिस, मतलब ये तो हमको हमेशा दिखेगी। अब अगर कभी आपने ये ट्री अगर देखा होगा तो इसका फिक का वो ये रहता ना अंजीर, अंजीर माई तक खाए अंजीर हिच्यापासून बनवतात ना फिकला, म्हणजे हे जे आपले उगर आहेत त्यांना दाबून ड्राय केल्यानंतर त्याच्यापासून बनणार अंजीर, तो मग आपण इसको यूज करतो। Then female wasp pollinate the fig inflorescence while searching the suitable egg laying site in the fruit. तो female wasp pollinate करेगा the fig inflorescence. Inflorescence मतलब समझ में आ गया, वहाँ पर cluster of flower रहेंगे while searching the suitable egg laying sites. Egg laying site जहाँ पर उनको अंडे देना है ऐसी जगह वो ढूंढेंगे fruit के अंदर. Thus the fig offer the wasp and some developing seeds एज द फूड फॉर द वैस्प लार्वा, मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर, पॉलिनेशन से प्लांट का फायदा है और खाने को मिल रहा है उनको, म्यूचुअलिज्म बिटवीन द प्लांट ऑर्किड दिख रहा, देखिए उनको ऑर्किड यहाँ पर, ऑर्किड शो डाइवर्सिटी इन द फ्लोरल पैटर्न, दे अटैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट दैट इज हनी बी एंड बम्बल बीस टू एंश्योर द पॉलिनेशन, नॉट ऑल ऑर्किड आफ्टर द
ऑफर रिवार्ड्स, मतलब सभी जो जितने भी आर्थिक के फ्लावर है वो ऐसा नहीं कि हर बार जो इंसेक्ट आ रहा है उसको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड मतलब नेक्टर, फ्लावर के अंदर का जो नेक्टर होता है वो रिवार्ड होता है इंसेक्ट के लिए, तो हर बार नहीं मिलता। पर वो फ्लावर इस तरह से डिजाइन होंगे, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे सो दैट इंसेक्ट उनके तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन करें, जिससे ये जो ऑर्किड का प्लांट है उसका रिप्रोडक्शन हो और फिर बाद में बढ़ते जाए। म्यूचुअलिज्म बिटवीन, ये बोला सेक्सुअल डिसीट ऑफ ऑफरस मीन्स मेडिटेरियन ऑर्किड, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल द फीमेल बी इन द साइज कलर मार्किंग सो दिस सुडो कॉपुलेट, सुडो कॉपुलेट मतलब फॉल्स रिप्रोडक्शन विद द फ्लावर एंड इज डस्टेड ऑन द पोलन वाइल सुडो कॉपुलेट विद द फ्लावर ट्रांसफर टू पोलन, तो ऐसा होगा। इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस स्लाइटली ड्यूरिंग द इवोल्यूशन पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन द रिजेंबलेंस ऑफ इट पेटल्स टू द फीमेल बी, इन दोनों को खुद से रिजेंबलेंस होना जरूरी है, जैसे इसके बॉडी का कलर है वैसा इधर का कलर, रिजेंबलेंस अगर नहीं होगा तो इवोल्यूशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, मतलब होगा नहीं। उसके बाद है अमेंसालिज्म, द एसोसिएशन ऑफ वन स्पेसीज इज हार्म वाइल द अदर रिमेंस न्यूट्रल, एक को फायदा भी नहीं हो रहा है नुकसान हो रहा है, और दूसरे को फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं, मतलब एक को एक पार्टनर के लिए डेट्रीमेंटल है हार्मफुल और दूसरे के लिए क्या है न्यूट्रल है, ऐसे टाइप के एसोसिएशन। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पर आता है फंगस पेनिसिलिन नोटाटा ग्रोइंग क्लोज टू बैक्टीरिया लाइक स्टाफिलोकोकस किल द बैक्टीरिया ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन वेयर एज फंगस रिमेन अनअफेक्टेड, तो ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पे फंगस है, फंगस के स्पोर है और उसके कॉन्टैक्ट में उनके विसिनिटी में उनके कॉन्टैक्ट में अगर कोई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा, पर इनको नीतर उससे फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, तो मतलब देखिए एक को नुकसान हो गया बैक्टीरिया का और जो फंगस है उसको फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं, तो इस टाइप के एसोसिएशन को बोलते हैं अमेंसालिज्म। सिमिलरली द लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज ईदर किल और एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग पॉपुलेशन अंडरनीथ द ट्री, तो ऐसा होगा। दोनों एग्जाम्पल याद रखें। अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो चुका है, इसके अंदर बस कुछ टर्मिनोलॉजीज है तो वो हम रिवाइज कर लेंगे एक बार, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है देखिए। ऑटो इकोलॉजी, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, इको का मीनिंग होता है, इको का मतलब मैंने बोला था आपको जो इकोलॉजी में जो इको वर्ड है ये वर्ड आया ओक्यूस से और ओक्यूस का मीनिंग होता है होम, तो ये जापानीज वर्ड है। इकोलॉजी में जो इको वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है ओक्यूस, तो ऑटो इकोलॉजी मीन्स इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिस और इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, तो ये सब आता है ऑटो इकोलॉजी में, इंडिविजुअल स्पेसिस और इसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल मतलब पता है आपको कि जो लाइफ सेंटर में प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी, ये सब ब्रांचेस है इकोलॉजी के। देन सिन इकोलॉजी, सिन का मीनिंग होता है मिक्स यूनाइटेड, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंट, इसको कहा जाएगा सिन इकोलॉजी। देन जीनेकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल अडाप्टेशन इन रिलेशन टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसी को कहा जाएगा जीनेकोलॉजी। आपको ये वर्ड भी आएगा जीनोलॉजी, आप पेडिग्री एनालिसिस के वो जीनोलॉजी बोलते हैं दूसरा नाम इसका, तो वैसे यहाँ पर वर्ड आ रहा है जीन मतलब क्या है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से जो रिलेटेड है वो रहता है जीनो इकोलॉजी। देन पैलियो, पैलियो का मीनिंग होता है फॉसिल,
समझ में आता रिवोल्यूशन। तो पैलियो इकोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इन द पास्ट। पास्ट मतलब ये हो रहा है फॉसिल इवोल्यूशन, वहाँ पर ये वर्ड आता है पैलियो। देन अप्लाइड, अप्लाइड मतलब अप्लीकेशन। अप्लीकेशन क्या है इकोलॉजिकल, तो अप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कंसेप्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो ये रहेगा अप्लाइड इकोलॉजी। उसके बाद सिस्टम इकोलॉजी, सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम, इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टर्म्स इन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल, तो इसको बोलेंगे पूरा सिस्टम। उसके बाद फाइटो जियोग्राफी, फाइटो का मीनिंग हमको पता है प्लांट, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, और ग्राफी का मीनिंग होता है कैलिब्रेट करना उसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ, किस टाइप के प्लांट्स हैं, अल्गी है, ब्रायोफाइट है, ट्रेडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो उसके स्टडी को बोलेंगे फाइटो जियोग्राफी। देन वो तो हुआ प्लांट के लिए, एनिमल के लिए वर्ड यूज होता है जू। जू जियोग्राफी में स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, तो इसको बोलेंगे जू जियोग्राफी। थ्री ब्रांचेस थे इकोलॉजी के। यहाँ पर और एक कंसेप्ट था जो हमने डिफरेंट टाइप के एसोसिएशन देखे उसी के अंदर का, प्रोटो कॉपरेशन। नॉन ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच बोथ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर बट कैन लाइव कैन ईजी लाइव सेपरेटली। मतलब दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर नॉन ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन है। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग होता है कंपल्सरी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि दोनों साथ में रहें। तो नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में रहें, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं पर एक दूसरे को उनका फायदा होता है, मतलब म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं। तो वैसे टू बर्ड्स नेमली रेड बिल्ड ऑक्स पेकर एंड येलो बिल्ड ऑक्स पेकर फीड्स ऑन द टिक्स एंड अदर पैरासाइट स्टिकिंग टू द स्किन ऑफ ब्लैक डायनासोर्स एंड रिलीव हिम फ्रॉम द पैरासाइट। तो मतलब देखिए एक दूसरे के ऊपर फीड हो रहा है और इसके ऊपर जो यानी कि टिक्स है उनको रिमूव कर रहे हैं। बर्ड्स सिटिंग ऑन द डायनासोर्स फॉर फीडिंग ऑन द टिक्स एक्सेट्रा ऑल्सो वार्न द एनिमल ऑफ अप्रोचिंग द डेंजर, मतलब कुछ डेंजर आ रहा है वो भी उसको बोल रहे तो ये फायदा हो गया। उसके बाद देखिए बर्ड्स आर नॉट ओनली बेनिफिटिंग द एनिमल्स बट देमसेल्स आर बेनिफिटेड बाय द एनिमल इज प्रोवाइडिंग द फूड्स मतलब टिक्स टू द बर्ड, तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर, बर्ड सिर्फ एनिमल को बेनिफिट नहीं कर रहे तो उनको बेनिफिट हो रहा है, उनको खाने को मिल रहा है और उस एनिमल को यानी कि डेंजर से अलार्मिंग सिग्नल मिल रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये जैसे यहाँ पर दिखा है देखिए ऑक्स देकर यहाँ पर टिक्स को भी खाएगा और इसको हवा यानी कि वाह क्या बोलेगा इसको हेल्प भी करेगा कि डेंजर कौन सा है उससे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन एज द बर्ड्स हैव नो क्लोज एसोसिएशन विद द एनिमल्स एंड इट जस्ट विजिट हिम ऑकेशनली फॉर फीडिंग, तो ये लगे। तो देखिए आप ये पढ़े तो समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो ये रहेगा प्रोटो कॉपरेशन, उसके बाद आगे की स्लाइड देखिए। ठीक है देखिए और एक एग्जांपल बोला यहाँ पर, अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कॉपरेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल, तो ये दिया द बर्ड ईटर्स द बर्ड एंटर द ओपन माउथ ऑफ क्रोकोडाइल एंड फीडिंग ऑन द लीच,
while are attached to the lining of buccal cavity. तो ये होगा relationship between the plover bird and the crocodile. Bird enter the open mouth of crocodile feeding on the leeches which are attached to the lining of buccal cavity. किसकी buccal cavity? इसका, crocodile का. The birds not only getting the benefit from the animal getting food but help the animal getting rid of leeches which sucking the blood. तो अगर crocodile देखे तो उसके mouth के side को जो leeches है उनको ये bird खाएंगे तो दोनों को फायदा हो रहा है, क्योंकि बर्ड को खाने को मिला और क्रोकोडाइल को, वो जो नीचे से उनका ब्लड सक करेंगे तो क्रोकोडाइल को भी फायदा, क्रोकोडाइल का ब्लड सक नहीं होगा. द एसोसिएशन बिटवीन द सी एनिमल एंड हर्माइट क्रैब मे ऑल्सो बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन इन विच सी एनिमल इज अटैच टू स्नेल शेल. देन सी एनिमल इज सेडेंटरी. सेडेंटरी मतलब नीचे रहता हो, मतलब पानी के अंदर नीचे. Can move from one place to another place by using the snail's shell as a portable homes and is able to procure more food. And hermit crab is protected from enemies by sea animal having the nematocyst. Nemato is thread-like. Cyst मतलब putty, hole. वैसे. तो ऐसा रहेगा. उसके बाद देखिए कुछ important definitions दी हैं यहाँ पर. क्या क्या डेफिनेशन है, ये सब कुछ हो चुका है हमारा, बट एक लास्ट रिविजन ही चलेगा. तो नियर अबाउट 20-25 डेफिनेशन है, रिवाइज कर लेंगे ये. तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है, पर आपको ये पूरा टॉपिक रिवाइज करना है. उसके बाद क्वेश्चन लेने, क्वेश्चन लूंगा मैं ऑनलाइन, यानी कि ऐसा इसका जैसा रिकॉर्डिंग भेजा मैंने वैसा रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपको आंसर देना है. तो आप बोलते जाइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ किसी का रिप्लाई है, कोई कुछ बोले पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे. तो बोलते जाइएगा. Ecology deals with the various principles which govern the relationship between the organism and their environment. इसको बोलेंगे ecology, मतलब हम और हमारा हो, मतलब surrounding, इन दोनों के अंदर का जो interaction है इसी को हम क्या बोलते हैं, ecology. Then ecological नीचे मतलब हमको पता level, जो level होता है एक से दूसरा level, represent the functional role एंड स्टेटस ऑफ स्पेसिस इन द एनवायरमेंट. जैसे हम प्राइमरी कंज्यूमर, फिर बाद में प्राइमरी प्रोड्यूसर था, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सो ऑन बोले ना, तो ये हो गए लेवल. तो रिप्रेजेंट द हैबिटेट एंड ट्रॉफिक पोजिशन. ट्रॉफिक मतलब फीडिंग पोजिशन, ट्रॉफिक पोजिशन ऑफ स्पेसिस, तो ये बोलेंगे. उसके बाद कम्युनिटी, अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंटर रिलेटेड पॉपुलेशन. तो ये पता हमको इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटी, फिर बाद में हमको पता सो इकोसिस्टम, बायोम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिस शेयरिंग द कॉमन एनवायरमेंट. कॉमन एनवायरमेंट में रहने वाले हैं. देन बायोम्स, द लार्ज नेचुरल रिसोर्स इन विच डिस्टिंक्ट इन क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब सेपरेट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड हैज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ क्लाइमेक्स प्लांट जो एडवांस है. हाँ गुड मॉर्निंग सर, हेलो, एक मिनट. नंबर ओके, देखिए
उसके बाद बारंस बोला द लार्ज नंबर ऑफ इको सिस्टम विच इज डिस्टिंक्ट इन क्लाइमेटिक कंडीशन हैज स्पेसिफिक क्लाइमेटिक प्लांट्स. उसके बाद देखिए यूरी थर्मल, यूरी का मीनिंग क्या होता है? ट्रू. और थर्मल का मीनिंग होता है तो ये तो देखो इफ ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट द लार्ज चेंजेस इन द टेम्परेचर. उसके बाद थर्मोपीरियोडिसिटी, इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रेगुलर चेंजेस ऑफ टेम्परेचर. थर्मोपीरियोडिसिटी मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर था उसको उसके जैसे साइकिल तो उसके अपन अडॉप्ट होने वाले हैं. मतलब पेडोलॉजी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिए, स्टडी ऑफ सॉइल. और पेडोगॉजी अगर लिखा है यहाँ पर जी तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बोलेंगे. उसके बाद एलिवेशन, वॉशिंग डाउन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द अपर स्टार्ट ऑफ सॉइल, तो इसको बोलेंगे एलिवेशन. और उसके बाद एलिवेशन, डिपोजिशन ऑफ वॉश्ड डाउन मिनरल्स फ्रॉम द लोअर स्टार्ट ऑफ सॉइल, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन. उसके बाद रेगुलेटर, मेंटेन द होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स लाइक थर्मोरेगुलेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन, इसको बोलते हैं रेगुलेटर. रेगुलेटर और कंफर्मर ये हमने सब देखे वाला है. देन कंफर्मर्स विच कैन नॉट मेंटेन द थर्मल ओस्मोटिक बैलेंस विद एनवायरमेंट, देन सस्पेंड, ये बोला है कंफर्मर हम क्या होता है कि जो मेंटेन करते हैं थर्मल और ऑस्मोटिक बैलेंस विद एनवायरमेंट. देन सस्पेंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल वेयर द ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स डेवलपमेंटल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल बिहेवियर टू पास थ्रू द अनफेवरेबल कंडीशन, तो इसको बोलेंगे सस्पेंड. उसके बाद देखिए डायपॉज, द स्टेज ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेवलपमेंट अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन मतलब एक पर्टिकुलर सीड या ऑर्गेनिज्म जो है अगर कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो वो सर्वाइव नहीं होगा. जैसे हम लंगफिश देखते हैं तो डॉर्मेंसी पीरियड हमको पता है, तो उसके बाद हमने एस्टिवेशन ये टर्म देखे, हिबरनेशन पता है वो. देन पॉपुलेशन डेंसिटी, पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर एरिया. उसके बाद एज पिरामिड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो ये क्या हो गया एज पिरामिड. उसके बाद हुआ नैटालिटी, द नंबर ऑफ बर्थ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड, तो इसको बोलेंगे नैटालिटी. नैटालिटी मीन्स बर्थ. उसके बाद है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, तो इसको बोलेंगे डेथ जो रहेगा. उसके बाद देखिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, द सम ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर दैट लिमिट द साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको बोलेंगे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. उसके बाद है कैरिंग कैपेसिटी, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन विच इज सपोर्टेड विद ऑप्टिमम रिसोर्स फॉर सर्वाइवल, तो इसको कहा जाएगा कैरिंग कैपेसिटी. मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर रह सकता है. जैसे मैंने बोला कि एक ह्यूमन का टोटल पॉपुलेशन पर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50 बिलियन, ये है कैरिंग कैपेसिटी.
एक फीमेल मैक्सिमम 11 चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये होगा फीमेल की क्या कैपेसिटी। तो ऐसा देन कॉम्पिटिशन, द प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पेसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पेसीज। उसके बाद ये लास्ट 5 टर्म्स है, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए कॉम्पिटेटिव रिलीज, एज सून एज द सुपीरियर स्पेसीज इज रिमूव फ्रॉम द एरिया द स्पेसीज एक्सपांड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज डेंसिटी। तो ये रहेगा As soon as superior species is removed from the area, जो species inferior वो बढ़ते जाएगा, the other species expand its distribution range and density. Then predation, ये भी पता क्या रहेगा, interaction which resembles in which the member of one species capture, kill, eat up by the member of other species. जैसा बोला snake rat के ऊपर attack करेगा, snake is predator और rat जो है वो हो जाएगा prey. और प्रोसेस को बोलेंगे प्रिडिक्शन। तो और बाकी एसोसिएशन तो हमने अभी देखा ही है, म्यूचुअलिज्म और सिम्बोसिस विच इज ऑब्लिगेट एसोसिएशन। ऑब्लिगेट का मीनिंग मैंने अभी बोला आपको, कंपल्सरी एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच ईच डिराइव बेनिफिट फ्रॉम अदर। देन कॉमनसलिज्म, द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म of different species benefiting only one species and the other species is neither benefited nor harmed. तो ये रहेगा commensalism. उसके बाद avensalism, the interaction between the two organism of different species in which one inhibit the growth of other species by secreting the certain chemical. तो इसको बोलेंगे avensalism. अभी देखा आपने एग्जाम्पल इसके अंदर rhinoceros और वो ऑक्सपेकर का। तो ये सब, तो यहां पर हो गए स्लाइड्स खत्म। तो ये था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैं एक बार सिर्फ स्लाइड घुमा रहा हूं स्टार्टिंग से, तो ये सब देख लेना। हमने इस पार्ट में देखा था पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें डिफरेंट टाइप के एसोसिएशन हमने देखे थे। तो ये थे डिफरेंट टाइप के एसोसिएशन जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में थे, और ये था क्राइटेरिया। ये सब देख लेना है। कॉम्पिटिशन आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वैसे भी हो गया था, मतलब एक एक पार्ट में हर बार रिवाइज करता है, पर आप रिप्लाई देते जाइएगा क्या करना है, क्या लेना है, कहाँ पर क्या है, आप बोले तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज मैं ले रहा हूँ ऑनलाइन, मुझे पता नहीं क्या करना है आगे, फिर वैसा हो जाएगा। ये सब हो गया आज हमारा म्यूचुअलिज्म। इन सब के आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो पॉज करके भी। ओके, सो आई विल एंड विद दिस, इसके साथ मैं एंड करता हूँ, ठीक है? तो इतना आप करके रखिएगा।
ठीक है, ये पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके रखना है, इसके ऊपर हम फिर बाद में हम क्वेश्चन लेंगे। ओके।